नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस जिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर, गोपाल सिंह गुज्जर, क्रेटा पंचायत के सरपंच राजवीर सिंह, कक्का सिंह गुज्जर, लल्लू सिंह गुज्जर एवं फॉरेस्ट की टीम द्वारा जिमनी विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने किया चंबल की बाढ़ पीड़ितों के कई गाँव का भ्रमण, जैसे कछपुरा, बीज का, गुंजबंधा, आरोली, मलवसैया, बाबाई और दलजीत का पूरा में सभी बाढ़ पीड़ितों को जरूरत की आवश्यकता के अनुसार भोजन व्यवस्था और जरूरत का सामान भी वितरित किया गया। और मुरैना, अम्बा, कोरसा के सभी व्यापारियों से अपील की है कि जितना हो सके उतना बाढ़ पीड़ितों का सहयोग किया जाए, जैसे भोजन की व्यवस्था की जाए। और कहा कि कुवारी नदी का जलस्तर भी बढ़ने से कई गांव हुए, जैसे कि छोटी कोथर और धर्मपुरी। जनता के साथ खड़े होने की हमारी पूरी कोशिश है, पूरी पहल है। और अभी पूरा चंबल के बेल्ट का दौरा आपके कछपुरा से लेके आरोली, मलवसई, पूंछ, बधा, गढ़ी, मलवसई, आपके बीच कपुरा, दलजीत कपुरा, भावई, इस सारे गांवों की भोजन व्यवस्था और वहां की जनता के जो लोग फंसे हुए नदी की बाढ़ में उनको बाहर निकालने की कोशिश है। और क्वारी में भी भयंकर बाढ़ है, क्वारी नदी में भी हमारा भागना, धर्मपुरा और पूरा जो है आपका भैरव का पुरा, बाघ का पुरा, झिन्ना का पुरा, माता का पुरा, आपके बरगवा, मनफूल का पुरा और किरनाए जो सांगोली पंचायत के मजरे सारे डूब में है और चेटा पंचायत में रामपुर पूरा डूब क्षेत्र में है। हमारी पूरी कोशिश है कि जनता को जितना भी सहयोग किया जा सकता है। मैं अम्बा, पोरसा और मुरैना के व्यापारी बंधुओं से भी सहयोग की अपील कर रहा हूं कि जो भोजन व्यवस्था दे सकते हैं, जैसा भी सहयोग कर सकते हैं करें। हम अपनी ओर से भी सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन से भी मैं लगा हूं, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। मैं आप सभी से यही कह रहा हूं कि जितना हो सके मैं सभी लोगों से सहयोग की अपील कर रहा हूं। नर सेवा नारायण सेवा को लेकर के हम सभी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और इसलिए कि ये मुसीबत का पल इतना भयंकर और भयावह है, मैं गोपाल गुर्जर भी हमारे साथ हैं, खेरेडा पंचायत के सरपंच लल्लू सरपंच भी हमारे साथ हैं, करता सिंह गुर्जर जी हमारे साथ हैं, देवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, राजवीर सिंह हमारे साथ हैं और फॉरेस्ट की टीम हमारे साथ है। बोट में बैठ करके गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को भोजन व्यवस्था करवा रहे हैं और जितनी भी सेवा हो रही है पूरे मन से हम लोग लगे हुए, हिम्मत नहीं हारना। मैं सभी साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उनको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक आपके साथ है, पूरे तन्मयता से रात दिन आपकी सेवा करेगा। प्रदीप सिंह डंडोतिया की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।